ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जरा पहले तो। ये जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट दी कोरल रीफ्स, तो इसमें वही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरल रीफ्स, तो वो सब आप समझिएगा। मैं सीधे इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो डायरेक्टली वो ही लिखूंगी, तो आपको उसके हिसाब से बताऊंगी। ये क्वेश्चन है कि भाई कोरल रीफ्स को अगर ग्रो करने देना है तो कोरल रीफ्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस होती है वो हमें रिक्वायर्ड होगी, उन कंडीशंस के बारे में ये क्वेश्चन है कि कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर होती हैं और किस तरीके से उनको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आपके पास ये चार हैं और आपको अब ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर करना है। आप चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसका आंसर और डायरेक्ट मैसेज मुझे करेंगे, एवरीवन पे मत कीजिएगा, आराम से सोचो पढ़ो और बताओ इसका आंसर, और गलत मत बताना क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, और गलत बताओगे तो फिर वही है कि अभी गलत हो गया और आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इरफान अच्छे से रीड करो, मैंने बोला है कि अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को। और जिसको इस क्वेश्चन के अंदर पेजेस पलटने की जरूरत पड़ रही है, नोटबुक चेक करने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स उसको टॉपिक नहीं आया, तो अपना टॉपिक जरा पढ़ लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, आ सकते हैं। हाँ जी, इसमें कुछ का आंसर आया है एंड इरफान रॉन्ग है, अजाज रॉन्ग आंसर, फोजिया करेक्ट, नयनी राजपूत करेक्ट, साइमा करेक्ट, रॉफ करेक्ट, मुबाशीर करेक्ट, यस, बाकी भी जरा जल्दी जल्दी बताएं। और राफिया रॉन्ग है, जगतार, दिस इज मी जगतार, तो आंसर तो लिखो, आंसर लिखोगे तभी तो पता लगेगा। राहुल करेक्ट, हाँ भी काफियों के आंसर आए हैं और काफियों के सही आए, जिनके रॉन्ग आए हैं जाकर रॉन्ग, हाँ भाई एक ही जगह कंफ्यूजन हो रही है सबको और दो ही तरीके के आंसर मुझे मिले हैं, एक मिला है राजिया करेक्ट आंसर, ए और बी में आप लोगों को कंफ्यूजन है बहुत सारा। देखो या तो ए करेक्ट है या बी करेक्ट है ना, आंसर तो एक ही होगा। तो देखो भाई ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, फ्रेश वाटर एंड शेलो सॉल्टी वाटर, मैंने आपको क्लास में बताया था कि कोरल रीफ्स रिक्वायर्ड शेलो वाटर। अच्छा आई हैड
रिटन आंसर ऑन द नेम ऑफ नयानी राजपूत बी ओके ओके ठीक है जगतार करेक्ट है फिर अच्छा आप ही नयानी राजपूत हो और आप ही जगतार सिंह हो मैं मेरी डॉटर का नाम नहीं है एक्चुअली वो क्लास 10 करती तो केवल उसका नाम सेव होता है ना अच्छा आपकी डॉटर का नाम है ओके ओके चलो यहाँ देखेंगे तो ये जो फ्रेश वाटर है और ये शैलो सॉल्टी वाटर तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही कैसे हो सकते हैं या तो वन ठीक है या सेकंड ठीक है क्योंकि या तो फ्रेश वाटर होगा या सॉल्टी वाटर होगा एंड आई टोल्ड यू इन द क्लास कि यहाँ पर शैलो वाटर चाहिए ऊपर ऊपर पानी चाहिए और सॉल्टी वाटर मैंने आपको सैलिनिटी भी उसमें लिखवाई थी कि सॉल्टी वाटर चाहिए फ्रेश वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड आंसर इज बी ब्रावो जहाँ पे प्लेंटी ऑफ सनलाइट बिल्कुल ठीक सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा और वार्म वाटर भी रिक्वायरमेंट है इतने से इतने डिग्री सेल्सियस ठीक है तो आंसर विल बी 2, 3 and 4 फ्रेश वाटर नहीं ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है सीएपीएफ का अभी जो 3 दिन पहले एग्जाम हुआ है 8th of August को उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कोराल रीफ पे आप लोगों को आना चाहिए जिन्होंने सही आंसर बताया बहुत बढ़िया जिनसे गलती हुई है वो इस क्वेश्चन को जरा दोबारा से पढ़ें समझें कि हमसे क्यों गलती यहाँ पे हुई है क्वेश्चन अच्छा है आपके एग्जाम में आने लायक है तो इसको जरूर याद रखिए ठीक है ना बाकी आप लोग जो है यूपीएससी का जो आपके पॉलिटी के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए उनको भी सॉल्व करके देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास में चलो भाई बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं एक बार ये सब तो देख लिया था हमने हमने ये देखना था हमने ये सारी साइट्स नहीं देखी थी वी वर सीइंग दी कंचनजंगा जिसमें हमने भूटान की थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी भूटान के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखा था तो चलिए भाई देखते हैं कंचनजंगा के बारे में चीजें पढ़ लेते हैं कुछ कंचनजंगा का नाम आप सबने बहुत फेमस लेवल पे सुना हुआ है सब लोग जानते भी हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो जो आपका ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका जो कंचनजंगा साइट है जो माउंटेन की साइट है कंचनजंगा वहीं पे लोकेटेड है ये ठीक है कंचनजंगा जो आपकी माउंटेन साइट है ना वहीं पे लोकेटेड है जो माउंटेन की आपकी जो माउंटेन है कंचनजंगा वहीं पे ये लोकेटेड है और ये एक नेशनल पार्क भी है एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड इसको लिख लो अभी नोट्स के अंदर अपने मैंने आपको पहले भी बताया था आई थिंक कि जो यूनेस्को है उसकी ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है भारत में यूनेस्को द्वारा सिर्फ एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है यूनेस्को सिर्फ एक हेरिटेज साइट है मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स बहुत सारी है पर जो मिक्स्ड है वो सिर्फ एक ही है दैट इज द कंचनजंगा ठीक है अब लोग आप लोग बताएंगे यूनेस्को क्या है यूनेस्को क्या है किसके अंडर आता है और क्या क्या इसमें है थोड़ा बहुत मैम यूनेस्को मैं एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाँ बिल्कुल सही यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन its main objective is to preserve the cultural and scientific things throughout the world हाँ देखो यूनेस्को जो है यूएन के अंडर आता है बिल्कुल सही क्योंकि यूएन इसके फर्स्ट टू वर्ड्स ही आपको समझ में आ गया है यूएन के अंडर आता है पेरिस में इसके हेडक्वार्टर है करेक्ट चामिना पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं तो ये यूएन के किस ऑर्गन के अंदर आता है क्या ये यूएन की कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या ये यूएन की कोई प्रिंसिपल ऑर्गन है या ये यूएन द्वारा स्टार्ट किया कोई फंड है या ये कोई प्रोग्राम है क्या है इन चारों में से यूएन इज अ टाइप ऑफ ये फोर ऑप्शंस हैं तो क्या बताओगे